गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का 1 का तीसरा प्रश्न संख्या को सॉल्व करेंगे। मान बैठा करके इसका आंसर निकाल देना है। कॉस देखिए, स्टार्ट करते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, बाय सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 लिख दिए, प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है लिख दिए। अब देखिए 1/√2 लिख दिए वैसे ही, बाय इसमें क्या करना है, एल नीचे का एलसीएम ले लेना है तो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो इससे लगाएंगे √3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ये भिन्न का जोड़ है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए 1/√2 ये भाग देता है तो ये √3 ऊपर जाएगा और नीचे वाला ये आ जाएगा यहाँ। तो ऐसा करते हैं, इसको हम पहले 2√3 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस 2 लिख लेते हैं। ऐसा करने से काम आसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर लिया गया। बात बराबर है, 2+√3 लिखिए या √3+2 लिखिए, बात बराबर है। ऐसा करने से समीकरण इसको बनाने में सहूलियत हो जाती है। अब देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, बाय √2 है यहाँ पहले लिखते हैं √2, 2 भी है तो गुणा 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट में कितना रहता है, √3 बचता है यहाँ पे, ये √3 और चूंकि दो कॉमन ही आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा +1 का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हर का परिमेयीकरण करना है, √3+1 रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टा में √3-1 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। हर का परिमेयीकरण हो गया तो क्या होगा, √3-1 बाई √3-1, ठीक है यहां तक। अब देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, माइनस √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही होगा, बाय अब देखिए यहां पर √2 गुना 2 और यहां पर √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। यहां तक समझने में स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते हैं, 3-√3 बाय √2 गुना 2 गुना 2। सफाया स्पष्ट करके लिख देते हैं तो कितना हो गया, देखिए 3-√3 बाय रूट, देखिए 2 दूना 4, 4√2 हो गया। यहां तक स्पष्ट है, एक बार देख लीजिए। आप देखिए फिर हर का, हर स्थिति में हर का परिमेयीकरण करना है तो फिर आ गया √2, तो ऊपर में भी √2 से गुणा कर दीजिए और नीचे में भी √2 से गुणा कर दीजिए। आप देखिए कितना होगा, इसको ऊपर में 3 में √2 से गुणा करेंगे तो 3√2 प्लस और √ इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो -√6 होगा, बाय कितना आ गया, कितना आ गया देखिए 4 दूना √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।